सेंस कॉमेडी सर्कस का नया दौर में जयपुर वाली मौसी का, दिल्ली वाली चाची का, यूपी वाली भुआ का, एमपी वाले ताऊ के साथ चुन्नू मुन्नू टिंकू पिंकी सारे बारातियों का स्वागत है। और बारातियों का स्वागत हम हंसी मजाक से करते हैं क्योंकि आज यहाँ होगी कॉमेडी की सबसे बड़ी शादी हमारे शादी स्पेशल में। दुल्हन के आते ही सबसे पहला काम है बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना, तो मेरा शत शत नमस्कार कॉमेडी की सासू माँ अर्चना पूरन सिंह को। और कॉमेडी के नए नवेले कुंवर जिस पर है हर जोड़ी की नजर, सोहेल खान। आजकल शादी के लिए पार्टनर ढूंढने से ज्यादा मुश्किल है शादी के लिए वेन्यू ढूंढना, इसलिए सुहेल ने जिम में शादी कर ली और अर्चना ने अखाड़े में और हमारे डॉक्टर सिद्धार्थ कर रहे हैं क्लिनिक में शादी। देखते हैं कि नर्स भारती उन्हें मंडप में पहुंचाती हैं या फिर आईसीयू में। प्लीज वेलकम आवर लीडर जोड़ी सिद्धार्थ एज डॉक्टर एंड भारती एज वेरियस कैरेक्टर्स। अरे अर्चना मैम, अरे सोहेल भाई, स्वागत है, आ गए फिर से हंसने के लिए। आज बहुत खुश हूँ, मेरा अस्पताल है, सब है, लेकिन डॉक्टर बनने ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बोल तो अपनी लिखाई खुद नहीं पढ़ी जाती। मेरा दर्द बताऊँ आप कम है, मेरे गर्लफ्रेंड को मैंने लव लेटर लिखा, वो समझाने के लिए केमिस्ट के पास गई, केमिस्ट वाले ने उसको समझाया, आज वो केमिस्ट वाले की बीवी है। सर, 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 सर। आ, करो करो ऐसा करो, फिर पूरा एक्ट होएल कर आपको ही देखते, मेरे को ही देखता ही नहीं है। 5 मिनट से जितना पका रहा है ना, उनका मूड तो चेंज करना था ना। आपको बहुत एक जरूरी बात बतानी है। क्या, क्या क्या? वो 3 नंबर बेड वाला है ना। हाँ। मर गया वो। अरे येड़ी वो लास्ट थी। क्या? अरे पोस्टमार्टम के लिए आई थी वो। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। मत करो, क्या है सोहेल भाई, पहले नहीं बता सकते थे? मैंने उसे जिंदा करने के लिए माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दे दिया। अच्छा वो छोड़ो, मेरा सामान किधर है, दे जल्दी मेरे को। मैंने कहा ना सर, हाँ। मैं आपका सारा सामान पहले इधर रख के गई थी। हाँ। ये देखिए सर, क्या? पूरे 3 कफन, 1, 2, 3। 3 क्यों? मैं तो आज 2 ही ऑपरेशन कर रहा हूँ। सर, मरीज के रिश्तेदार भी सदमा लग सकता है ना, एक उनके लिए। क्या सर, हमारे पास सारा क्रेडिट आप ही ले जाते हो? नहीं ऐसी बात नहीं है, मार मत। मेरे हॉल का क्या हुआ? सर, मैं उधर भी गई थी फिर आपके शादी का हॉल बुक कराने। फिर जिस दिन आपकी शादी है ना, हाँ। उस दिन शहर में 50,000 शादियां और भी हैं। ओह नो। फिर मेरी शादी का क्या होगा? एक आइडिया। क्या? सर, आपकी शादी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दे। हाँ, अच्छी आइडिया है, लेकिन मरीज क्या करेंगे? साले कुत्ते। yeah. साले कुत्ते सर आपकी शादी में काम करेंगे। हाँ। मैंने पता क्या सोचा है, क्या? कि हम बारातियों का स्वागत ना पोलियो ड्रॉप से करेंगे। लेकिन रहने का क्या? सर वो भी मैंने सोच लिया है, जो गांव से गरीब लोग आएंगे ना, हाँ। उनको हम जनरल वार्ड में ठहराएंगे। अच्छा, अच्छा। और जो बड़े बड़े यानी कि खास स्पेशल लोग होंगे, हाँ। उन्हें सर आईसीयू में ठहराएंगे। हाँ, बराबर है, हमारे एक्ट में सीरियस बैठते हैं ना, इनको तो आईसीयू बनता है। मैंने पता क्या सोचा, हाँ। है जितने भी हार्ट पेशेंट है ना, हाँ। उनको हम भजिया तलने में लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सर उनको पता है ज्यादा तेल डालेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। चाहिए ना सर? इसके हिसाब से तो पीलिया के मरीज दुल्हन को हल्दी लगाएंगे। बकवास बंद कर और काम कर। ओके। ए, ये नहीं रे। अभी मेरी शादी होने वाली है, अभी ये सब बंद, जा जिसके लिए वो काम कर, चल। इसके साथ रह रहे के मेरी जान जा रही है। किधर है मेरा पेशेंट? आजा भाई, टेंशन मत ले, डरने का नहीं, मेरे हाथ से कोई बचा नहीं है, तो तू कैसे बचेगा भाई? आ जा, जा। जानू, मैं जब देखो काम ही करते रहते हो। पंडित ने पता क्या है, शादी का आज ही मुहूर्त है, अगर आज हमारी शादी नहीं हुई ना, तो हम सारी उम्र स्वागत नहीं मना पाएंगे। हम शादी यहाँ हॉस्पिटल में करेंगे। क्या? हाँ। लेकिन यहाँ तो शादी का सामान ही नहीं है। अरे सब तैयारी की है मैंने, ये देखो हार। ऑपरेशन थिएटर में तुम हार कैसे लाए? अरे मरीज के घर वालों को बुला था, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो मेरे लिए, नहीं तो फिर इसके लिए। जल्दी डालो। फेरे 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 जल्दी।
मेरी मांग सिंदूर से भर दो। हाँ, एक मिनट। इधर गया। जल्दी, मुझे पता भूल गए रे तुम, नहीं लाए सिंदूर। डर मत डार्लिंग, तेरी मांग मैं खून से भरूंगा। नहीं, प्लीज, तुम अपना हाथ नहीं काटोगे? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको जरा। एक काम कर, ये डिबिया भी ले ले। डिबिया किस लिए? भर ले भर ले, अरे शादी के बाद काम आएगा ना, सिंदूर भर ले भर ले। टुट्टू? हाँ टुट्टू। कौन टुट्टू? मेरा पहले का बॉयफ्रेंड। क्या? तो तुमने इसे अभी पहचाना? अरे कपड़ों में पहली बार देखा है ना। हाँ? अरे शक्ल देख के नहीं पहचान सकती क्या? अरे रात को आता था ना, अंधेरा होता था, शक्ल नहीं दिखती थी। मेरे टुट्टू, I mean, मेरे सुहाग को बचा लीजिए। अरे तेरा सुहाग मैं हूँ। अरे नहीं ना, उसका खून अब मेरी मांग में भर दिया तो मैं हो गई ना टुट्टू की मिसिज टुट्टी। फिर मेरी छुट्टी। भरी सेक्सी जवानी में सजी सजाई दुल्हन एकदम अकेली खड़ी है, कौन थामेगा मेरा हाथ? क्या सोए जी? मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो। तालियां बजाओ, ये मान गए। मान गए ना, तो फटाफट फोन करो अपने भाई को, उसको बोलो कि बन जाए मेरा बॉडीगार्ड। कैसे लगी ये मेंटल शादी आपको? अर्चना, सबसे पहले आपसे पूछूंगी। वेरी नाइस एक्ट, आप दोनों की टाइमिंग बहुत बढ़िया थी। अरे थैंक यू, यू बोथ आर ट्रूली मेड फॉर ईच अदर। अरे थैंक यू, सदा सुहागन रहे। सोहेल, बहुत ही बेहतरीन स्क्रिप्ट थी और उससे बेहतरीन आप लोग ने इसको परफॉर्म किया, हैट्स ऑफ। शगुन में क्या देंगे आप हमें, मार्क्स दिखा दीजिए प्लीज सोहेल। आज की कॉमेडी की सासू माँ की तरफ से ये शगुन में। बालिका वधू जा रही है ससुराल और माँ दे रही है उसे ज्ञान, लेकिन ये बालिका वधू ज्ञान लेने वालों में से है या फिर देने वालों में से, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम भारती और सिद्धार्थ की टीम से माही एज माँ एंड सूरी एज वेरियस कैरेक्टर। भगवान, इतनी छोटी उम्र में मेरी शादी, सारे अरमान मिट्टी में मिल गए। कितना सोचा था मैंने कि बड़ी होकर कॉलेज के लड़कों को शादी का झांसा देकर एंजॉय किया करूंगी। बेटी, हे भगवान, मेरी लाडो कितनी सुंदर लग रही है ना, आज इसकी शादी है। हाँ अर्चना जी, गृहस्थी के बारे में कुछ नहीं जानती। नहीं माँ, मुझे सारा पता है गृहस्थी के बारे में। देखो, स्वागरात वाली रात को सबसे पहले पति को दूध का गिलास बनाना है और जैसे इसका मूड बनने लगे ना तो सास के साथ जाके सो जाना है। अच्छा मैं एक बात बताओ, करवा चौथ का व्रत मैं अपने पति के लिए रखूं या फिर आपकी तरह शर्मा अंकल के लिए? चुप कर, कलमुई, तेरी वजह से शर्मा सिर्फ हफ्ते में दो बार आता है। वैसे माँ, मैंने तो सोचा था कि सल्लू अंकल की शादी होगी ना तो उनके बेटे से मैं शादी कर लूंगी। बाद में सोचती हूँ कि सल्लू अंकल बात बात पे शर्ट उतारते हैं तो बेटा पता नहीं। चुप कर, जा तैयार हो जा, बारात आती होगी, जा। ये टेबल फैन को फेरा किसने पहना दिया? मेरी तरफ ध्यान से देख और मेरे हथियार की तरफ देख, पहचाना नहीं मुझे? बेबी, तू बावर्ची का बेटा है, जा आलू काट ले, बारात आती होगी, जल्दी जा। नहीं, मैं दूल्हा हूँ, जाओ दूल्हे के लिए ड्रिंक का प्रबंध करके आओ। ड्रिंक पिएगा? रामू, पोलियो ड्रॉप्स में आइस डाल के ऑन द रॉक्स लेके आ। जमाई सा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? बिल्कुल मम्मी डैडी की तरह। बाकी की बारात? वो पता क्या, बारात पीछे आ रही है। एक्चुअली ना मेरी बारात के साथ शर्त लगी थी कि देखते हैं पहले कौन जाता है। मैं भागता भागता आया, घोड़ी के नीचे से निकल के आ गया। जमाई सा, हाउ क्यूट ना? क्यूट हूँ ना? हाँ। दुल्हन को छोड़ो, तुम ही आओ। शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, मैं दुल्हन को लेके आती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। हाय, दुल्हन आएगी, बड़ी भूख लगी, क्या करूँ, क्या दूध पी लेते हैं। जमाई सा, पेट भर गया। जमाई सा, मेरी छोटी सी लाडू को डाकू ले गए। डाकू ले गए? मुझे पक्का पता है वो चिंटू होगा, क्योंकि मैंने कल उसे कंचों में हराया था, कहता था बदला जरूर लूंगा। बस माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं उसको लेकर आऊँ, उठा लाऊंगा मैं।
तुम उठा के लाओगे? हाँ। तुम्हारे मुंह में थोड़ी सी चीनी लग जाए तो चींटियां तुम्हें उठा के ले जाती हैं। नहीं, मैं लाऊंगा उसे और शादी करूंगा तो सिर्फ तुम्हारी बेटी से। बस अपनी बेटी को बोल दो कि शादी के बाद दो बातों का खास ध्यान रखे। क्या? एक तो मुझे स्कूल जाने के लिए वही तैयार करे और दूसरी मेरे डायपर को हाथ ना लगाए क्योंकि मैं खुद ही चेंज करता हूँ। हो गया? हो गया? चलो सोहेल अंकल ताली ठोको। तो सोहेल अंकल कैसे लगी? बहुत मजा आया। एज अ टीम यू गाइस आर फैंटास्टिक। थैंक यू। सुपर। अर्चना, आई एग्री विद सोहेल कि एज अ टीम यू आर फैंटास्टिक, बट आई थिंक आपके टैलेंट को थोड़ा बांध के रखा हुआ है। आई वॉन्ट आर क्रिएटिव टीम टू डू इवन बेटर एंड गिव यू डिफरेंट स्क्रिप्ट्स फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। व्हाट यू गॉट दिस टाइम यू डन वेरी वेल। थैंक यू। चलिए तो अर्चना कितने नंबर देंगी आप? इट्स एन 8। 8 points. सुहेल, 8 points. वेल डन। देखिए ना, कृष्णा की पॉपुलैरिटी क्या बड़ी। सुदेश की वाइफ बिल्लो सुदेश को छोड़ के जा पहुंची है कृष्णा के घर अपना रिश्ता लेके। अब देखिए बिल्लो फंसाती है या फिर खुद फंस जाती है। प्लीज वेलकम आवर लीडर जोड़ी सुदेश एज बिल्लो एंड कृष्णा एज हिज फादर। हाय सोहेल। हाय अर्चना। सबसे पहले तो आप मुझे मुबारकबाद दो कि बड़े दिनों बाद आज फिर मेरा तलाक हो रहा है। अच्छा। मेरा मर्द मुझे क्यों नहीं समझता? मेरे पे शक करता है, मुझे कहता है बिल्लो तो कृष्णा के घर रोज जाती है। मुझे क्या जरूरत पड़ी है जब कृष्णा ही मेरे घर पे आ जाता है। मेरा दिल करता है किसी दिन ना सुदेश का ना गलत बोध हो। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ नहीं, अपना पति अपना ही होता है, जैसा भी है तो बेचारा कमीना। लेकिन मेरे में क्या कमी है? देखो बस इतनी भी सुंदर नहीं हूं मैं। लेकिन मेरा सुदेश मुझे क्यों नहीं मानता? मुझे कहता तू चुड़ैल लगती है, तू डैल लगती है, तेरे साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन अब मैंने सोच लिया, अब मैं दूसरी शादी करूंगी, चाहे कोई भी कुत्ता कमीना मिल जाए, चाहे कृष्णा ही मिल जाए। अब तो कृष्णा के साथ शादी करने से उसका बाप भी नहीं रोक सकता मुझे बुड्ढा। जीती रहे बेटी, जीती रहे, जीती रहे, जीती रहे, जीती रहे, जीती रहे, जीती रहे, जीती रहे। ऐसे तो मैं मर जाऊंगी, ये क्या मतलब हुआ? पपियां लेते आते ही मैंने तो अभी बायला को भी नहीं कहा। अरे तो एक बार लागू कर दे। आओ आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर चल के बात करते हैं बाथरूम में। बाथरूम में क्या? अरे मैं 2 मिनट बैठ लूंगा, तुम ब्रश कर लेना। क्या ना तुम्हारे मुंह से बड़ी बदबू आ रही। मेरे मुंह से बदबू आ ही नहीं सकती, मैं तो अभी अभी प्याज खा के आई हूँ। ओह बड़ा गंदा पंच मारा तूने प्याज। ये बता यहाँ कैसे आना हुआ? वो बस वैसे मैं क्या कृष्णा से छोटी मोटी शादी करनी थी। छोटी मोटी शादी करनी थी? शादी की बात करनी है, लाल जोड़े में आ गई तू? अब समझते क्यों नहीं हो? क्या हर लड़की का एक ही अरमान होता है? हाँ। मेरा भी एक ही सलमान है, अरमान है, अरमान कि मैं सिर्फ एक बार इन कपड़ों में भी स्वागत मना के देखना चाहती हूँ। अच्छा, माँ बाप है कि नहीं घर पे? क्यों नहीं है? क्या करते हैं तुम्हारे माँ बाप? हम गरीब लोग हैं, मम्मी ने अभी अभी लोन लिया, छोटा मोटा कोठा चला रही। बाकी पापा दिल्ली में हैं, चांदनी चौक में सीनियर भिखारी हैं। वाह वाह नहीं 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 वाह वाह वाह। ये कुछ सुदेश नहीं है, चुप बैठा रहेगा। एक बात बता, ऐसा तुमने हमारे कृष्णा में क्या देखा? मैंने उसका डांस भी देखा है। हाय हाय, इतना अच्छा डांस, मैं हैरान हूँ हर अलग अलग गाने में एक ही स्टेप कैसे कर लेता है। अरे हमने जो सिखाया भैया, हाँ। पता है क्या है? हाँ। कि हम सारा दिन अपनी बीबी के साथ डांस में ही लगे रहते थे। अच्छा। और ये की होल से बैठा देखता रहता था। हाँ, तभी इसने डांस सीखा है। अच्छा। हाँ, हमने जितने गलत स्टेप उठाए सारे सीख लिए उसने।
इसीलिए बड़ा होकर इतना कमीना निकला है साला। हेलो, हाँ जी जज साहब, शेखर जी। हाँ? नहीं नहीं आज नहीं आ सकती। नहीं ये क्या मतलब, पैसे जितने मर्जी ले लो नहीं आ सकती। देखो आज खुद ही होंठ जोड़ लो। किसका फोन था? नहीं नहीं गलत ना समझो। हाँ। मुझे ना आज तक घर से सच्चा प्यार नहीं मिला, जो कुछ भी मिला है बाहर वालों से मिला है। देखो अभी तुम्हारा और कृष्णा का रिश्ता तो हुआ नहीं है। हाँ। तो तुम मुझे बाहर वाला ही समझो। नहीं नहीं मेरा मतलब है, देखो जब कृष्णा को हमने पहली गाड़ी दिलवाई। हाँ। तो टेस्ट ड्राइव पर हम ले गए थे। जब हमने उसको पहला फोन दिलाया। हाँ। तो पहला कॉल हमने किया था। हाँ। अब जब उसकी पहली शादी करवा रहे हैं। हाँ। तो यम यम यम। ये देख क्या है, तेरी औकात क्या है, ये ले संभाल इसे। अब बकवास की, मैं दाढ़ी भी निकाल दूंगी। पहले अपने बारे में बता, आपके बच्चे कितने हैं? देखो हम तो एंजॉय करने वाले आदमी, हमने कभी गिने नहीं। जो भी बच्चा दरवाजा खटखटा के आके पापा बोलता है तो हम उसको खाना खिला देते हैं। और जो अंकल बोलता है फिर तो वो हमारा ही टैलेंट हुआ ना। ये सच्ची बता, तेरे अंदर कोई और टैलेंट है? अरे और क्या, बहुत टैलेंट है हमारे अंदर। क्या? हम फूक मार के मोमबत्ती बुझा लेते हैं। ये कोई टैलेंट है? ये क्या टैलेंट हुआ? मुंह से थोड़ी फूक मारते हैं। ओह माय गॉड, ऐसे टैलेंट तो मेरे में भी हैं। क्या टैलेंट है तेरे अंदर? मैं बिना कपड़ों के नहा लेती हूँ। इसमें क्या टैलेंट हुआ? अच्छा चौराहे पे कभी नहाए तुम? गंदी औरत, मुझे मालूम है तेरी नजर मेरे बच्चे के दौलत पर है। तू क्या समझते तेरी दौलत के पीछे मैं हूँ? हट। अरे जितनी दौलत तेरे पास है ना, इससे कई गुना दौलत मेरे नाम कर, फिर करूंगी शादी। मुझको मालूम था अर्चना जी, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ दौलत के कागजात। अच्छा। मुझे पता था तेरी औकात का। ये लो इनको लड़की चाहिए, बुड्ढों को जवान, ये कुछ भी करने के लिए तैयार। ये लो साइन कर दो। देश लहरी। क्या तू बिल्लो नहीं है? तू सुदेश लहरी है? आए मैं लुट गया। अब बजाओ ताली। मेरा बच्चा सड़क पर आ गया, मेरी बीवी को फंसा रहा है। मर गया कृष्णा। तुझे क्या लगता है मैं सब डायलॉग बोलूंगा? क्या मतलब? मैं विपुल का आदमी हूँ। तूने एग्रीमेंट पर नहीं साइन किया था ना? अब हो गया 10 साल काम करना इनके साथ। सुहेल, कैसा लगा बेवफाई का ये टैलेंट आपको? बेहतरीन स्क्रिप्ट और उससे भी बेटर परफॉर्मेंस। कांग्रेचुलेशन यार। अर्चना, ये मेरी फेवरेट जोड़ी है। आप दोनों की फिजिकल ह्यूमर और आपका जो पागलपन है, और कृष्णा आपकी माइंड ब्लोइंग टाइमिंग जो है, I mean, उसकी वजह से ये एक्ट बहुत 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 बढ़िया है। आई लव दिया। बिल्लो ने ले लिया। अब फ्लाइंग किस तो दे दी है, लेकिन अच्छे अच्छे नंबर्स भी दे दीजिए प्लीज अर्चना। फिलहाल 9। 9 पॉइंट। तो हेयर आप कितने नंबर देंगे इन्हें? 9 पॉइंट। बाइक का स्वयंवर रचाने आ रहे हैं कृष्णा सुदेश की टीम से, अथर एज सलमान बाइक एंड प्रिया एज वेरियस व्हीकल्स। प्लीज वेलकम देम। अरे मैं सलमान की बाइक। अरे आप हर रोज मुझे चोरी चोरी लेके जाते हैं ना? नहीं याद आया, आज मैंने अपना स्वयंवर रखा है, तो आए देखें कितनी प्रतिशत लड़कियां हमसे शादी करना चाहती हैं। अगर ठंड लग रही है तो कंबल दे दूं? तानी मस्ती करता है तू? तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं श्रीदेवी की स्कूटी हूँ, हवा हवाई। ओके। चलो हम आज तुम खेलते हैं दस का दम। और अगर तुम जीत गई तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तो आए हम और आप खेलते हैं दस का दम। तो ये रहा आपके सामने आपका पहला प्रश्न।
कितने प्रतिशत खेती भारत के एक ही हिस्से में होती है? अरे 100%, और वो भी अनिल कपूर के बदन पर। जगास, नो पर्सनल आंसर्स प्लीज। अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत डायरेक्टर अपनी कारों का अपनी फिल्मों में सही यूज करते हैं? अरे यूज नहीं, मिस यूज करता है वो शेट्टी। अपनी हर फिल्म में हमारी माँ बहने कर देता है। क्या? अरे मतलब अपनी हर फिल्म में हवा में उड़ा उड़ा के हमारी माँ और बहनों को एक कर देता है। आपके सारे जवाब पर्सनल है, यू आर नॉट मैच्योर, इसीलिए शादी के लिए जीवन साथी परिपक्व होना चाहिए। You are not mature. सलमान ने तुझे बहुत सड़क पर चला रखा है ना? भगवान करे कि वो तुझे जॉन को गिफ्ट कर दे, फिर तेरे इतने एक्सीडेंट करेगा, कि अगली बार जब मैं मेंटेन होके तेरे पास आऊंगी ना, तो मुझसे शादी के लिए भीख मांगेगा और मैं फौरन हाँ कर दूंगी। ये दुनिया में अच्छी स्कूटियां बननी बंद हो गई हैं क्या? बस एक मैं ही हूँ जिसके हैंडल में शादी की रेखा नहीं है। रब बावड़े, रेखा तो अब तक किसी के हाथ ना आई है। ये आवाज कहाँ से आई? रब बावड़े, तेरी गड़ी शिकायत आ रखी थाने में, के बात से आती जाती स्कूटियां ने देख के गणे हॉर्न बज रहे तेरे। लचका गणा ढीला रखा तू, के बात से? मैडम मैंने शादी के लिए कितने सपने देखे थे, शादी के बाद हनीमून। मैंने तो हनीमून के लिए मॉरिशस के बीच पे एक गैराज बुक किया है और अपनी दुल्हन के लिए MRF का लहंगा पसंद किया है। ओए है, क्या बात है। और ज्वेलरी में गोल्ड की हेडलाइट विद डायमंड के बल्ब। के बात से? और कॉकटेल में? कॉकटेल में मैंने कैस्ट्रोल के ड्रिंक ऑर्डर किए। क्या बात है भाई। ए भाई, अरे मैं तन्ने ऑर्डर दूं कि तू मेरे साथ थाने चल, मन्ने अपनी साइकिल के टायर पीले करने, तेरे साथ ही कराऊंगी। खूब जमेगी ना इन दोनों की जोड़ी अर्चना जी। हेलो ब्रदर, कितने प्रतिशत आपको लगता है कि हमारी जोड़ी में 10 का दम है? ये अनोखा स्वयंवर आपको कैसे लगा? ये बहुत ही टेक्निकल स्क्रिप्ट था, जोड़ी तो कमाल की है, लेकिन अगर इनको एक ऐसी स्क्रिप्ट दी जाए जो एक थोड़ा जो और फ्री फ्लो है एंड इतनी टेक्निकल नहीं हो, आई थिंक दे कैन डू मच बेटर। अर्चना, प्रिया और अथर ने अपनी जान तो बहुत डालने की कोशिश की इस स्क्रिप्ट में। आई थिंक व्हाट यू शुड डू इज, जो भी स्क्रिप्ट आपको मिलती है उसके दायरे के बाहर आप जाने की कोशिश करें। जो मैंने आपके पहले एक्ट देखे, यू आर रियली ब्रिलियंट बोथ ऑफ यू टुगेदर। ऑलराइट सोहेल जी, मार्क्स दे दीजिए। 8 points, well done. अर्चना, 8 points, well done. Where is media? मीडिया वालों को तैयार करो। वो लड़की जिसने पप्पी दी पर प्यार नहीं किया, स्वयंवर रचाया लेकिन शादी नहीं की, वो अब करना चाहती है शादी, वो भी एक बाबा से। देखिए बाबा शादी के मोजाल में फंसते हैं या नहीं। प्लीज वेलकम आवर लीडर जोड़ी, कपिल एज बाबा एंड अंकिता एज आइटम गर्ल। हैरान हो रही बेटी कि बाबा बिस्कुट खा रहे हैं? नहीं, बाबा इसलिए खाते रहते पुलिस को लगे ना बाबा मुकुट दाल कर रहा है। अच्छा। बाबा डरता नहीं है, मेरे कहे ना बाबा लाठी की अच्छा बिस्कुट खा लेना रोते हैं, तुम्हें बाथरूम में जाने में प्रॉब्लम नहीं आती है। बड़ा अच्छा लगता है भैया, पुलिस को जब से बाबा में प्यार आया है, प्यार ही आया होगा जो बाबा को भूखा नहीं देख पाए, तब से बाबा पुलिस को देखता है वैसे ही 3-4 डकार कॉम्प्लीमेंट्री निकल आते हैं। बाबा ने तब से तो ये कहना ही छोड़ दिया है कि करने से होगा, बाबा आजकल कहता खाने से होगा, खाने से होगा। बाबा आज आपको कपाल भाती के साथ साथ कपल ऑफ भाजी बनाना सिखाएंगे, तब तक यूज़ करिए साथ में। हाँ करे करे करे, करने से होगा, खाने से होगा, खाने से। हाँ करे 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 करे, सबसे पहले लंबी सांस अंदर लो, एक भिंडी लो, नहीं भैया नाक में नहीं लेनी है, कढ़ाई में लो, कढ़ाई में। हाँ ऐसे से करो, बाल बढ़ते इससे, लेकिन अर्चना कहती इससे नहीं बढ़ते। मैंने कहा भैया मेरे सामने करो, पर्स में से विग निकाल के उसके आगे करने लगी। अरे भैया नकली नहीं असली वाले बढ़ते हैं, अरे ये तो उससे भी ज्यादा चलाक है, क्रिकेट की बॉल सामने रख के यू कर रहा था। मेरे को ये क्या कर रहा है? कहते बच्चों को फुटबॉल चाहिए, बाल बड़ा कर रहा हूँ।
लो भैया भिंडी तैयार हो गई, मिर्ची अभी तक नहीं आई है। बाबा कुछ खा ले भैया, पुलिस ना देख ले। बाबा डार्लिंग पहचाना? अच्छा तो लेडीज वस्त्रों में बाबा बन के घूम रही तू। मैं भी बाबा बाबा नहीं हूँ बाबा। मैं तो वो बला हूँ जो दुनिया की सबसे खूबसूरत बला है। आपकी दोस्त प्यारी होस्ट राखी। चलो बैठो बैठो शुरू करें। चलो चलो कपाल मत दिख रहा, कपाल मत दिख रहा भैया, चलो कपाल मत दिख रहा। कपाल मत ही करो, सोहेल खान को खुश मत करो। इस पेट के रोग दूर रहते, पेट के रोग दूर रहते। मेरे रोग का तो सिर्फ एक ही इलाज। क्या? आप मुझसे शादी कर लीजिए। बाबा शादी नहीं कर सकता। बाबा 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 ब्रह्मचारी है बाबा, लेडीज की टच नहीं कर सकती, भले वो लाठी हो। अच्छा अगर लेडीज के टच करने से इतना प्रॉब्लम है तो फिर ये लुंगी क्यों पहनी है? अरे, अरे, अरे भैया बाबा ब्रह्मचारी है, मेरा कच्चा ब्रह्मचारी नहीं है। प्लीज अपनी ये कॉमेडी बंद करो, मुझसे शादी कर लो ना प्लीज। देखो स्वतंत्र भारत में कह रही बाबा कॉमेडी बंद करे है। तो दो एपिसोड मेरे साथ कर ले और बाबा की कॉमेडी वैसे ही बंद हो जाएगी। बाबा सुन ले ना। देखिए बाबा, आप है बाल ब्रह्मचारी, मैं हूँ कन्या कुवारी। चलो करे बच्चे पैदा करने की तैयारी। बाबा शादी नहीं कर सकता भैया, बाबा शुरू से ब्रह्मचारी है, बाबा जी के पिता भी ब्रह्मचारी थे। एक बात बताइए, आप कब ब्रह्मचारी बने? तीसरी शादी के बाद। शादी के बाद? लेकिन जो शादी कर लेते वो कभी ब्रह्मचारी नहीं होते हैं। अच्छे तो जो नहीं करते वो ब्रह्मचारी है। हाँ। तो तुम्हें क्या लगता है सलमान खान ब्रह्मचारी है? ये सलमान खान ब्रह्मचारी है, लोग तो यहाँ तक कह रहे भी चिल्लर पार्टी में जितने भी बच्चे हैं, होम प्रोडक्शन है सब। क्या? बाबा इस दुनिया के सबसे richest bachelor हैं। आपसे शादी कौन नहीं करना चाहेगा बाबा? हर लड़की दुनिया की शादी करना चाहती है आपसे। कहने की बात है, कहने की बात है। दीपिका पादुकोण से पूछो कहाँ मानती है, नहीं करती है। दोबारा देखिए मुझे, क्या आपको मुझ में कुछ अलग नहीं नजर आता? अरे वाह भैया, ऊपर वाला होट और ऊंचा करवा लिया। अब मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी हर भूख हड़ताल में मैं आपके साथ ही सोऊंगी। अरे भैया बैठूंगी होता है, सोऊंगी नहीं होता है। बैठूंगी बैठूंगी। सॉरी सॉरी वो। और एक और बात बाबा, क्या है? आप जब वो लेडीज ड्रेस में भागे थे ना, आप बड़ी हॉट लग रहे थे। अरे भैया बाबा को हॉट बोल रही, देखो अभी तो किसी बहन की मिनी स्कर्ट मिल जाती तो फिर बाबा बताता पुलिस के हाथ नहीं आता था बाबा। लेकिन एक बात बताइए बाबा, आप पकड़े कैसे गए? ऐसे पीछे से, ऐसे। इस अद्भुत बालक की वजह से पकड़ा गया मैं। बाबा लेडीज वस्त्र पहन के भाग रहा था, बाबा का हाथ पकड़ के कमरे में ले गया मेरे को, ठंड कुड़ी लगा ली अंदर से। बाबा कहता बाबा कपड़े उतारो, मैंने कहा आज ये बाबा की हड़ताल तोड़ के रहेगा। मैंने कहा तेरे को शर्म नहीं आती बाबा के कपड़े उतार रहे? कहता बाबा को शर्म नहीं आती मेरे कपड़े पहन के भाग रहे। ये बिना कपड़ों के? अरे क्या बात कर रही हो, ऐसे निर्वस्त्र कैसे जा सकता है कोई? इसने जॉकी की दो जुराबे पहनी हुई थी। बाबा ये सब छोड़िए ना, आइए ना, आज हम दोनों एक हो जाएं। चलो। बाबा का ब्रह्मचर्य तोड़ रही है, देखो बाबा का ब्रह्मचर्य स्वतंत्र भारत में। अपनी हड़ताल एक मिनट में तोड़ सकते हो तो अपना ब्रह्मचारी क्यों नहीं तोड़ सकते? नहीं तोड़ेगा भैया, मुझे सब पता है। क्या पता है? कि तुम्हें कैसे मनाना है। अंग प्रदर्शन मत करना। पुलिस पुलिस का बला बुला, बाबा नहीं भागेगा इस बार, बाबा नहीं भागेगा, बाबा झूठ बोल देगा, बाबा बाबा है नहीं, बाबा मीनाक्षी है। नहीं यकीन आता तो बाबा का ब्लाउज देखो। बाबा अब हमेशा ये औरतों के कपड़ों में क्यों भागते हैं? अच्छा बाबा लेडीज कपड़े पहने तो हो हल्ला हो जाता है भैया, और ये रोज औरतों के कपड़े पहन के आता है अर्चना, इनको कोई कुछ कहता नहीं। लेकिन अगर फिर भी पहचाने गए तो? तो बाबा मिक्री कर देगा। मिमिक्री? हाँ बाबा बड़ा टैलेंटेड है। बाबा बनने से पहले जब मैं LIC में काम करता था तो मैं शाम को ऑर्केस्ट्रा के साथ मिमिक्री करने जाता था। नहीं यकीन है तुम्हें? नहीं। मिमिक्री करके दिखाएगा बाबा, जोरदार तालियां हो जाए। अपने भक्तों के लिए सबसे पहले पेश है सनी देओल की आवाज। सनी देओल राखी, बाबा से शादी करने आई हूँ, अगर इस जट का दिमाग बिगड़ गया तो ये 2.5 किलो का हाथ ऐसी जगह मारूंगा जितनी प्लास्टिक लगी है सबकी सब उधड़ के नीचे गिर जाएगी।
देश की अमरीशपुरी की आवाज। अमरीशपुरी? अरे राखी, इन केचुओं की बोटियां काट काट कर कुत्तों में फिकवा दूंगा। अभी भक्तों के लिए पेश कर रहा हूँ, नाना पाटेकर। नाना पाटेकर? ए पलंग वाली औरत, ए पलंग वाली औरत, चल निकल यहाँ से, आ गई है शादी करने मुंह उठा के। कल को शादी करेगी, फिर बच्चा लेके आ जाएगी, मेरी गोद में डालेगी छोटा सा, बाबा कहेगी ले ले बाबा तेरा बाबा। नहीं चाहिए बाबा को तेरा बाबा, बाबा को कंपटीटर नहीं चाहिए, चल निकल यहाँ से। बाबा आप क्या टैलेंटेड है, सबको पता बाबा बड़ा टैलेंटेड है, तेरी वजह से पिछली बार 8-8 मिले थे। रुकी नहीं रही थी, इतना हंस रही थी, तो अभी से शुरुआत करती हूँ। लास्ट वाला कमाल का पंच था, 8 नंबर वाला। ये आपने पहले भी एक बार बाबा किया है, मुझे तब भी पसंद आया और आज भी बहुत पसंद आया, क्योंकि आज विस्तार में आपने बाबा किया है। अंकिता, पहली बार मैंने राखी का किरदार किसी को यहाँ स्टेज पर करते देखा है उमराव जान की अदा के साथ। कुछ ऐसे हस्की वस्की बोली राखी, कभी उस सुर में बोलती ही नहीं, उसको वो सुर पता ही नहीं कि है भी डिक्शनरी में। मुझे ये बहुत ही पसंद आया। थैंक यू मैम। सुहेल, मैं सीधे पॉइंट्स पे आ जाऊं? हाँ, आ सकते हैं सीधा पॉइंट पे। अर्चना, थैंक यू सो मच मैम। मुझे मिला है इंग्लैंड के रॉयल प्रिंस की रॉयल शादी का इनविटेशन कार्ड। वहां की प्रिंसेस ने खास बुलाया है मुझे। नहीं, मुझे नहीं, एक वेडिंग प्लानर को, और मुझे उसका नाम पढ़ के सुनाना है। प्लीज वेलकम कपिल अंकिता की टीम से विशाखा एज प्रिंसेस एंड मंत्रा एज वेडिंग प्लानर। हे अर्चना, यू नो व्हाट, आज मेरी शादी है ब्रिटेन के प्रिंस हैरी के साथ। Oh, really? और शादी की अरेंजमेंट करने के लिए मैंने एक इंडिया से आदमी बुलाया है। गो गो डेविड, गो गो, आज नहीं, मैं किसी और के होने वाली हूँ, और अब मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। अरे ओ बकिंगम पैलेस की गुंबद, मैं तो केवल पता पूछने के लिए आया हूँ, मैं डेविड नहीं हूँ। आप ये बता सकती है ये इंग्लैंड कहाँ पड़ेगा? इंग्लैंड कोई छोटा मोटा मोहल्ला नहीं है, एक देश है देश, और तुम जहाँ पे खड़े हो उसी को इंग्लैंड कहते हैं। क्या बात करें? मैडम मैं मंत्रा, लगे रहो इवेंट वेडिंग प्लानर, प्रिंस और प्रिंसेस की शादी का अरेंजमेंट के लिए आया हूं। तो तुम हो वो? बोलो, मैं ही हूँ प्रिंसेस। प्रिंसेस? आप? पक्का है? What? मतलब प्रिंस को मालूम है कि नहीं आप ही प्रिंसेस हैं? पता चले शादी के दिन यहाँ पर आए, आपको देख के डर के मारे दूल्हे की कुर्सी छोड़ के शगुन की लाइन में जाके खड़ा हो गया। नहीं मतलब ये क्या निकाल रही है? प्रिंस का फोटो। अरे ये प्रिंस है? या तो वो गंजा कौन है जिससे तुम शादी कर रही हो? हे वो प्रिंस है, 3 साल पहले वही पिक्स है ये। अच्छा, सोचो यार कैसा जमाना आ गया, आदमी गंजा टकला और नाम रखा हैरी। आप बस ये बताइए कि शादी में लोग कितने आ रहे हैं टोटल नंबर? यही आएंगे कोई 2000। अच्छा, और इनविटेशन कितने? What? नहीं, हमारे यहाँ पे क्या है ना कि इनविटेशन 500 को मिलता है तो 800 आ जाते हैं, और उसके बाद इतना खाते हैं कि दूल्हा दुल्हन को आखिरी में पड़ोस में चौधरी का ढाबा ले जाना पड़ता खिलाने के लिए। कोई ऐसी वैसी शादी नहीं, यहाँ सब डिसेंट लोग आने वाले हैं, समझा? अच्छा, अब बताओ खाने में क्या क्या होगा? खाने में तो पुराना वाला मेन्यू मेरे पास सेट रखा है मैडम। एक बार दाल पकौड़ा मंगाएंगे, एक दही बड़ा मंगाएंगे, एक मिक्स वेज है, एक जीरा राइस है, और आपके पास अगर बजट थोड़ा ज्यादा हो तो थोड़ा एक बढ़िया सा आलू छोले भी डाल देंगे, मसाले वाला तीखा। We don't eat spicy food, okay? मसालों से दूर रहते हैं हम। 200 साल तक मसाले की आड़ में हमारे देश में तब बैठे थे, तब तो मसाले से दूर नहीं। कौड़ी की औकात नहीं तुम्हारी, और तुम मुझे प्रिंस कैथरीन को इतना कुछ सुना रहे हो। ये देखिए कितना कीमती हार है, और मेरे हाथ में देखो गोल्ड, प्योर गोल्ड, सोना समझते हो सोना? अरे हटा तेरी ऐसी की तैसी, किसको सोना दिखा रही है तू? ये सोना जिस देश से चुरा कर लाई है ना तू, उसे हिंदुस्तान कहते हैं, समझ रही है? अरे सोने की चिड़िया थे हम, अपनी गलती के कारण हमने अपने खुद के पर काट दिए, और ये सोना कभी पिघला कर देखना प्रिंसेस, पिघलेगा नहीं,
क्योंकि हिंदुस्तान का सोना और हिंदुस्तान के क्रांतिवीर कभी अंग्रेजों के सामने पिघले नहीं है। आजाद होकर फायदा क्या, आज भी तुम गुलाम ही हो। पता है, मत गिना मुझे मेरी खामियां। हमें पता है कि हम कहां कहां गलत बैठे हुए। हमें पता है कि साला हम अपनी खुद की कब्र खोदते रहते हैं। बताओ अर्चना जी, आपको सन 47 में जो ये लोग रेल की पटरियां बिछाकर गए थे वो आज तक है और आगे नहीं बनी। जो सड़कें हमारे कॉन्ट्रैक्टर बनाते हैं 2 दिन में उनमें गड्ढे पड़ जाते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने जो सड़कें बनाई वो आज तक साबुत है। जो इमारतें हम बनाते हैं उनमें दरारें पड़ जाती हैं, और जो इमारतें ये अंग्रेज हमारे देश में बना के गए उसमें हमारे ही नेता बैठ के एक दूसरे पे कुर्सियां फेंक रहे हैं। हमारा राइटर चाहता तो यहां पर कोई हंसी मजाक की बात डाल सकता था, लेकिन ये हमारे देश का मामला है और देश के मामले में हमें हंसी मजाक पसंद नहीं है। क्रांतिवीर हैं आप अर्चना। बोथ ऑफ यू वर वेरी गुड एंड द एक्ट वाज वेरी वेल रिटन। सुहेल, आई लव इंडिया। मतलब मेरे लिए, मतलब अगर आप हिंदुस्तान का नाम कहाँ भी ले लो तो मैं उठ के मतलब झगड़ा करने लग जाऊंगा। ऑन द होल आई थिंक इट वाज अ फैंटास्टिक एक्ट, सो यू नो फॉर मी इट इज ऑल इंडिया। सुहेल, आप कितने नंबर देंगे इन्हें? 8 points। अर्चना, 8 points, well done। किसी भी शादी में दहेज लेना और देना अपराध है, लेकिन भाई हम हमारी सबसे बेस्ट जोड़ी को तो दहेज देंगे। नया दौर की सबसे बेस्ट जोड़ी को मिलेगा सुहेल खान प्रोडक्शंस में एक रोल। हंसी से आपका विवाह संपन्न हुआ और अब ये हंसी हमेशा के लिए आपकी लाइफ पार्टनर बन के रहेगी। ओनली ऑन अंबुजा सीमेंट प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस का नया दौर।